press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरिफ अजाकिया साहब को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और कश्मीरी शेरनी याना मीर का, जो हाल ही में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट गई थी और उनकी स्पीच वहां पे बहुत ही धमाकेदार थी, जो कि काफी वायरल हुई। तो उसी मुद्दे पे आप देखेंगे याना मीर का काफी धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लेकिन जहां पर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है वहां पे मुक्का तो पड़ता ही है, और वो पड़ा भी है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस को डिटेन किया गया था, जैसे हमारे इंटरनेट को बंद किया गया था कुछ टाइम के लिए, आई थिंक वो जरूरी था, वो मुक्का पड़ना जरूरी था, ताकि ये जो अफरा तफरी चल रही थी, ये जो डबल एजेंसी के गेम्स चल रहे थे कि वहां से भी पैसे लेंगे, यहाँ से भी पैसे लेंगे, इनको बोलेंगे कि हम अमन शांति रखेंगे, उनको बोलेंगे कि हम बगावत जिंदा रखेंगे, तो ये जो डबल एजेंसी का गेम था, इसको बंद करने के लिए एक मुक्का पड़ना जरूरी था माँ की तरफ से, जो पड़ गया। जी याना जी, मुशर्रफ के दौर में हम अक्सर सुनते थे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत से डील करे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको वो कर दिया जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर, और जो आपके पास है आप रखो, हमारे पास ये हमारा हमें दे दो। लेकिन भारत ने कभी इस किस्म के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब काफ़ी अरसे से बींग पाकिस्तानी और जो मेरे सोर्सेज हैं उससे ये पता चल रहा है कि भारत अमेरिका के ज़रिए कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि भारत POJ के भी ले ले, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को भूल जाए और उसको एज ए फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले। जबकि जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर थी 1947 से पहले की, उसका पार्ट एंड पार्सल था गिलगित बल्तिस्तान। और आज गिलगित बल्तिस्तान में POJK से ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ पे कोई सिविक सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स ऑफ लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप नहीं समझती कि POJK के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें गिलगित बल्तिस्तान साथ में ज़रूर ऐड करना चाहिए, और हमें स्पेशल कोई पॉलिसी, भारत को स्पेशल कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, अखंड भारत का हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, उसको भी ले ही लेंगे, लेकिन यस, मे बी उसके लिए पॉलिसी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो फिफ्थ प्रोविंस बन चुका है। जाहिर बात है कि लोगों की इजाज़त के बगैर, लोगों की मर्जी के बगैर बना है, लेकिन बन चुका है पाकिस्तान का फिफ्थ प्रोविंस। लेकिन देखिए, लोग जो है ना, वो आफ्टर ऑल वो पूरा इलाका जो है लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ था, और लद्दाख में मैं गई थी, वहाँ के लोगों के साथ मैंने बात की, मेरे वीडियो मौजूद भी है, आप सब देख सकते हैं। जो लद्दाख में दो वीडियोस हैं, एक तो लद्दाख में जो घूमने वाला वीडियो वो नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं लोगों से मैंने बात की, जहाँ पे वो क्लियर बोल रहे हैं कि दे आर प्राउड इंडियंस, और कभी चाइना सोच भी नहीं सकता कि हमारा लैंड लेगा। ये आखिर नस्ल तो वही है, लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये अगेन आई टेल यू, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इंडिया को लेकर, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की ज़हनियत लोगों में डाली है थ्रू एकेडमिक्स के थ्रू, जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू, जो उनके जो लीडर्स तकरीरें करते हैं उसके थ्रू, ऐसे करके 70 सालों से लोगों के दिमाग में, ज़हनियत में सिर्फ इंडिया के खिलाफ जहर उगला गया है। तो जाहिर बात है कि जब वहाँ के लोग रेडी नहीं हैं, उनको लगता है कि दे फील कि इंडिया तो दुश्मन है ही है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में एक साइड को जो है स्मार्टली काम लेना पड़ेगा। इंडिया अगर इस ज़मीन को चाहता है तो स्मार्टली पहले लोगों को अपनी तरफ करना है, और हम उस चीज़ में माहिर हैं, हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। एक फैक्टर चाइना भी आता है, हालांकि चाइना इज़ नॉट पार्टी, इवन पाकिस्तान इज़ नॉट पार्टी, पाकिस्तान इज़ एन ऑक्यूपायर। चाइना के CPEC के हवाले से POJK और गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इन केस एनी सिनारियो के पाकिस्तान टूट जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि POJK एंड गिलगित बल्तिस्तान कम्स बैक टू भारत, तो आप एज ए जर्नलिस्ट वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं, आप समझती हैं कि भारत विल ऑनर ऑल दोज एग्रीमेंट्स ऑफ चाइना? देखिए, भारत जो है इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस। भारत सिर्फ प्रोग्रेस देखता है, पॉजिटिविटी देखता है, एंड
भारत को अगर लगता है कि वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स के होने से आवाम का उसमें फ़ायदा है, तो शायद ऐसी कोई पॉलिसी आ सकती है जिसमें भारत चाइना को बोलेगा कि भाई ठीक है, एज लॉन्ग एज आप इन लिमिट्स में रहो, हम आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाने देंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिकॉज देखो, नेगेटिव स्ट्रैटेजी भारत में नहीं है, भारत में कभी नहीं रही, भारत नेवर थिंक्स के यू नो लाइक, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जहाँ पर भारत को लगे कि उसकी आवाम का नुकसान है, भारत वो नहीं करेगा, और जहाँ भी भारत को लगे कि इससे मेरी आवाम का फ़ायदा है और शायद हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो हिस्सा हमने लिया तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से हमें खड़ा करना पड़ेगा, उसमें हमारा भी तो नुकसान है। तो इकोनॉमिकली भारत ने हमेशा सही डिसीजंस ही लिए हैं और आगे भी सही डिसीजंस लेगा। अजीज दोस्तों, याना जी का एक किरदार तो कश्मीर की बेटी है, तो दूसरा किरदार शी इज़ ए वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट, और अब जर्नलिस्ट की हैसियत से हम उनसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। सबसे पहले याना जी ये बताइए कि ये जो भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अम्यूजिंग फैक्ट है कि महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं 10,000 का पेंशन मांगने के लिए। अजीब नहीं लगता आपको? और इस तरह से मतलब इतनी चीज़ें, और जहाँ तक मुझे पता है कि कई स्टेट्स में, कई बीजेपी स्टेट्स में जो है एमएसपी अलाउ, एमएसपी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट फार्मर से खरीदी अलाउ किया गया है। आई थिंक 22 या 18 स्टेट्स में डायरेक्ट खरीदी अलाउ की गई है। बहुत सारे स्टेट्स में जो हैं इनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी की गई हैं। इनफैक्ट जो बीजेपी के स्टेट्स नहीं हैं वहाँ पर इनकी मांगों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, जो मंडी वंडी होती है इनकी वो नहीं हो रही है। तो मुझे भी सरप्राइजिंग लग रहा है कि ये इस टाइम, मतलब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तब क्यों ये फिर नई कोई प्रोटेस्ट लेकर बैठे हैं, और सडनली मतलब न्याय यात्रा जो पार्ट टू जो उनकी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा की न्याय यात्रा, उसको बीच में छोड़कर फिर फार्मर्स को मिलने चले गए राहुल गांधी, फिर जब फार्मर्स को मिलने चले गए फिर उसके तुरंत बाद वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। मतलब ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या, और फिर इमीडिएटली प्रोटेस्ट शुरू होने के कुछ घंटों में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस आएगी तो एमएसपी पक्का है, यू नो ऐसी चीज़ें। और फार्मर्स का मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको इतने सारे, दे वॉन्ट सो मैनी स्कीम्स, क्या बोलते हैं, मतलब इतने बेनिफिट्स चाहिए इनको, लेकिन टैक्स एक रुपया नहीं देना है। याना जी, प्रोटेस्ट तो फार्मर्स के यहाँ भी हो रहे हैं, और यहाँ इंग्लैंड में भी हो रहे हैं, और हजारों ट्रक सड़कों पे हैं, और उनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है, वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है। कल स्पेन में बहुत ज्यादा पिटाई की है फार्मरों की, लेकिन यहाँ के फार्मर एक जंग वाली सूरत हाल पे नहीं आए, वो अपनी गाड़ियों पे आके बख्तर वो लगा कर नहीं आए, क्रेने लेके वो पतंग से, फिर पुलिस के बीच, आई एम श्योर इनके बीच कोई खालिस्तानी एलिमेंट्स नहीं आए होंगे जो आजादी मांग रहे हैं यूके से। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि प्रोटेस्ट है फार्मर्स का, उसमें भी खालिस्तानी घुस जाते हैं। याना जी, मैं अभी भारत आया था, और मैं गुजरात में अहमदाबाद में जब ऑटो में बैठ के वो पतंग फेस्टिवल में रात को पतंग मार्केट में जा रहा था, तो मेरे होस्ट जो थे वो हिंदू थे, तो रिक्शे वाला मुसलमान था, तो उसको छेड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब ये देखें, ये पाकिस्तान से आया है और ये हमें गालियां दे रहा है कि तुम लोग यहाँ पे मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रहे हो, तो आप बताओ इसको ज़रा क्या हालत है। तो रिक्शे वाले ने साइड पे रिक्शा रोक के मुड़ के मुझे देखा और मुझे कहता है तू पागल वागल है, तुझे पता है कि यहाँ पे क्या हालत है, तुम्हारे अपने पाकिस्तानियों की हालत क्या है, जाकर वहाँ पे देख। मैंने वहाँ पे जनरली मुसलमानों का रवैया देखा है कि दे आर वेरी हैप्पी विद भारत, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हल्द्वानी में ये मुसलमानों पे हो गया, आपके यहाँ की कुछ जर्नलिस्ट हैं अरफा खानम और राना अयूब और इस टाइप के बहुत ज़्यादा रोना धोना विक्टिम कार्ड लेके चल पड़ती हैं। आप बीइंग ए मुस्लिम इंडियन, आपका क्या ख्याल है, भारत में मुसलमान ओप्रेस्ड है कि खुश है? देखिए, ये
जो वन साइडेड रोना धोना करती है हमेशा, सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं हमेशा, इसकी वजह से सोसाइटी पोलराइज होती है। इसकी वजह से जो अंग्रेजों का जो मकसद था हमें बांटने का, वो मकसद आज भी मुकम्मल हो रहा है। और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और रोना धोना, ये सिर्फ मुस्लिम जर्नलिस्ट नहीं करते, कई सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट हैं जो हिंदू साइड से भी यही करते हैं। हर एक, अब देखो यूके में जहां तक मुझे पता है, जब कोई रिपोर्टिंग होती है कि भाई फलाने बंदे ने यहाँ पर क्राइम किया, चोरी की, बैंक लूटा या कुछ किया या सिग्नल तोड़ा, उसका मत वहां पे रिलीजन लिखा जाता है, उसका रिलीजन नहीं लिखा जाता, उसका बस नाम लिखा, नाम भी नहीं लिखते कई दफा, बस लिखते हैं कि वन पर्सन डिड लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? ताकि किसी एक समुदाय को जो है पूरी सोसाइटी जज ना करे। लेकिन क्या इस तरह की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इंडिया में हो रही है? नहीं हो रही है। हर जगह आपको जो कल्प्रिट है, जो परपेट्रेटर है, आपको उसका। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और याना मीर जी का ये धमाकेदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे भारत की बेटी और कश्मीरी शेनी याना मीर ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान और भारत में रह रहे पाकिस्तानी प्रेमियों को भी जम के उधेड़ा और उनको आईना दिखाया। तो आशा करता हूँ याना मीर की बातें आपको काफी पसंद आई होगी, और खासकर अगर मैं उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्पीच की बात करूं तो एक लाइन उनकी काफी वायरल हुई, जहां पे उन्होंने ये बोला कि आई एम नॉट मलाला, यानी जो पाकिस्तान की मलाला थी, जो जिसको तालिबान ने गोलियां मार दी थी और वहां पे वो अनसेफ थी, बल्कि भारत की बेटी याना मीर कश्मीर में रहती है, भारत में रहती है और एकदम सेफ है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।